Hello everyone, this is me Varna. Welcome and welcome back to my channel. So guys, if you are watching me first time, let me introduce myself first. Myself Varna Best. I create content related to lifestyle, fashion, makeup, some beauty haul, clothing haul, kits video and some parenting video also. So if you like my content, please do subscribe my channel first and don't forget to hit the notification bell button icon also. So guys, in today's video, I'm going to talk about the basic problems in girls like pimples. Jo pimples hame aate hain due to some mausam change hota hai, hamara jo diet hoti hai, hum log कुछ ऑयली वगैरह खा लेते हैं. इवन इन समर सीज़न जो ऑयली स्किन वालों के लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इतनी ज़्यादा हमारी स्किन में स्वेटिंग होती है, ऑयल आता है एंड पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू सम इम्प्योरिटी, डर्ट जो हमारे चेहरे पे जमा हो जाता है. अगर आपने अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन नहीं करा तो पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट. तो पिंपल्स आने के बाद हम बहुत सारी क्रीम यूज़ करते हैं ताकि पिंपल्स चले जाएँ, बट पिंपल्स के बाद जो बेसिक प्रॉब्लम रह जाती है वो होते हैं पिंपल्स और एक्ने स्कार्स. जो एक्ने के जितने भी स्कार्स हमारे चेहरे पर पड़ जाते हैं वो हमारे चेहरे पर अच्छे नहीं लगते. मेकअप से हम उनको ज़रूर हाइड कर सकते हैं, बट नेचुरल जब हम घर पे रहते हैं तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते. सो उनके लिए आप एक क्या ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं मैं आज आपको बताऊंगी, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम है. इवन मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से एंड मेरे यहाँ पे एक एक्ने हुआ था एंड वो बिल्कुल वैनिश हो चुका है गाइस. मतलब इस क्रीम इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, आई जस्ट रियली रियली लव द प्रोडक्ट. सो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ न्यूड की प्रीमियम गोट मिल्क एक्ने क्लियर क्रीम. एज मैंने अपने चैनल पे न्यूड के बहुत सारे वीडियोस अपडेट करे हैं, अगर आपने वो नहीं चेकआउट करे प्लीज़ डू चेकआउट, क्योंकि न्यूड के मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे. गाइस, न्यूड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये प्रीमियम प्रोडक्ट एंड ये ट्रस्टेड है गाइस. अगर आपको सच में अपने एक्ने स्कार्स हटाने हैं चेहरे से तो आपको ये वाली क्रीम जरूर यूज करनी चाहिए. सबसे अच्छी बात है ये गोट मिल्क से बनी है एंड ये आपके जो स्किन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो ये है गोट मिल्क प्रीमियम एक्ने क्लियर क्रीम. इसमें बहुत सारी रेंज भी आती है. सो मेरे पास ये गोट मिल्क वाली मुझे रिसीव हुई है. बाई दिस क्रीम इज़ मेड अप ऑफ गोट मिल्क. पहले मैं आपको बता दूँ, गोट मिल्क हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज गोट मिल्क में होता है AHA, दैट इज़ अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड, जो कि एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है. मैंने आपको गोट मिल्क की क्रीम एंड गोट मिल्क के फेस वॉश के बारे में भी बताया. तो आज मैं आपके साथ ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है. बिकॉज इसके अंदर जो AHA होता है वो एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है, जो कि आपके स्किन में डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, आपकी जो डर्ट होती है स्किन में उसको रिमूव करता है, डीप क्लीन करता है एंड जो जितनी भी हमारी स्किन में सीबम ऑयल जमता है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है विदाउट एनी रेडनेस एंड इरिटेशन बिकॉज नेचुरल एक्सफोलिएटर है. आपको पता है हम रॉ मिल्क भी कभी कभी यूज करते हैं ताकि हमारे स्किन को जो एक नेचुरल इफेक्ट मिल सके, हमें केमिकल्स नहीं लगाने पड़े. लाइकवाइज गोट मिल्क भी हमारा इसी तरीके से वर्क करता है. सो इस गोट मिल्क को मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या है. तो इसमें पहला आपको बता दूं ये ट्रस्टेड है. हमेशा आपके इसके साथ टेस्टिमनी मिलती है कि जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट है वो हमेशा कहते हैं कि न्यूड के जितने प्रोडक्ट है वो सारे के सारे टॉक्सिन फ्री है, वेगन है, पैराबिन फ्री है एंड ऑल नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनाए जाते हैं. सो कुछ आपको आउटर पैकेजिंग इस तरीके की मिलती है इसमें. सो इसमें पहले मैं आपको बता देती हूं, ये बना है गोट मिल्क एलोवेरा एक्सट्रैक्ट से, टी ट्री ऑयल, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, क्लोव भी है इसके अंदर, सैलिसिलिक एसिड भी है, रेटिनॉल भी है, जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. इधर ये आपको मिलेगा कि आपको ये यूज़ कैसे करना है. एक्चुअली आपको क्या करना है, अपना फेस को अच्छे से क्लीन करना है और ये गोट मिल्क क्रीम आपको लगानी है जो अपने इफेक्टिव एरियाज़ में मॉर्निंग एंड नाइट फॉर द फुली एब्जॉर्ब. जब तक ये फुल एब्जॉर्ब नहीं हो जाती आपको इसको अफेक्टेड एरियाज में लगाना है एंड छोड़ देना है. तो आप इसके जो रिजल्ट है आपको 2 या 3 दिन में ही दिखने चालू हो जाएंगे. सो ये वाली क्रीम के लिए आप, ये 50 ग्राम की क्रीम है एंड इसमें आपको पे करना पड़ेगा 290 रुपीज़. सो बॉटल आपको कुछ मिलती है, इस तरीके की बॉटल आपको मिलती है. सो इट्स नॉट अ ग्लास बॉटल, सो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट बॉटल है, ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ. सो गाइज बहुत अच्छी आपको ये क्रीम लगेगी. इसमें आपको जो इसका फॉर्मूला है, इट्स क्वाइट लाइक स्टिकी फॉर्मूला है थोड़ा सा, जो कि आपके स्किन पे एकदम से स्किन में आपको लगेगा कि हाँ ये वर्क कर रही है. तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आपको लगेगा. सो इसको बस कुछ नहीं करना है, अपनी फिंगर डिप करना है और अपने अफेक्टेड एरियाज में लगा करके इसको अच्छे से इसको एब्जॉर्व कराना है, क्योंकि जब तक ये एब्जॉर्व होगी तभी तक आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड द क्रीम इट्स रियली रियली गुड. हल्के से इसमें फ्रेग्रेंस भी है जो कि काफ़ी
काफी अच्छी है आप लोगों के लिए गाइस. गुड अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड भी है इसके अंदर. सो लैक्टिक एसिड हेल्प करता है हमारे पोर्स को क्लीन करने में. हमारे जो स्किन में एक्स्ट्रा सीबम जम जाता है उसको क्लियर आउट करता है, बिकॉज अगर सीबम जमता रहेगा इम्प्योरिटीज जलती रहेगी और हमारे स्किन जो पोर है उनके अंदर इम्प्योरिटीज चली जाएगी तो ही हमें एक्ने की प्रॉब्लम होती है. जब तक स्किन क्लियर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है. सो यस, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जो आके आपके स्किन के क्लियर, आपकी जो फेस की प्रॉब्लम है उसको भी क्लियर आउट कर देगा. ठीक है, इसके जो गोट मिल्क के अंदर बहुत छोटे छोटे ग्लोबुल्स भी होते हैं जो कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं काफ़ी टाइम तक, हमारे स्किन को ड्राई नहीं पड़ने देते हैं. एंड स्किन को जब तक जितनी ज़्यादा स्किन हाइड्रेट रहेगी उतनी ज़्यादा ग्लोइंग बनेगी, उतनी ज़्यादा हमें रिफ्रेश फील होगी. राइट, सो गाइज इट्स ऑल कॉम्पैक्ट कि आपको एक्ने ब्रेकआउट हो रहे हैं तो भी आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं. आप इस हाईली हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल जिनके स्किन में एक्ने स्कार्स है, तो आप इसको जरूर यूज़ कीजिए. मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको इसके विजिबल रिजल्ट दिखने को मिल जाएंगे. सो येट्स इट्स हाईली हाईली रिकमेंडेड. सो गाइज आई होप आपको ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो. वीडियो के अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ डू कॉमेंट डाउन कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा, अगर आप इसको यूज़ करने के बाद आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं, ताकि मुझे पता लग पाए कि हाँ मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है. एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल दें, बाय.